हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गैन मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी गैन यूट्यूब चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग जो है कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बुक कवर करते आ रहे हैं ओके और आज का जो हमारी इम्पॉर्टेंट किताब रहेगी वो मार्क्स मैन के द्वारा पब्लिश की गई ट्वेंटी प्लस एम की किताब आज हम कवर करेंगे दोस्तों जी हाँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है राइट और ये सेकंड एडिशन है इसका जो कि फुल्ली रिवाइज एडिशन किया गया है इस बार 21,000 प्लस एम रहेंगे दोस्तों जो कि टोटल ये आपको जानकर हैरानी होगी टोटल 700 प्लस पेजेस की किताब है ये जी हाँ दोस्तों तो सारा कवर करने की कोशिश करूँगा मैं ठीक है थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे सारे वीडियोज़ में टाइम टू टाइम लाता रहूँगा और सारे एम हम कवर करेंगे और ख़ास बात और एक है इस किताब की कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे बेस्ड ऑन एन डेवलप किए गए हैं दोस्तों जी हाँ इसमें हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट्स वर्ल्ड जोग्राफी इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एन्वेमेंट एंड इकोलॉजी कवर करेंगे जनरल साइंस भी कवर किया जाएगा जनरल अवेयरनेस और स्टेट जनरल अवेयरनेस ठीक है राइट तो स्टैटिक पार्ट जितना भी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ जो भी डाइनमिक पार्ट है वो भी इसमें बताया है राइट तो कौन से कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर आई हो गया एन डी राइट और स्टेट पी एस सी जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके लिए ये सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज़ एम सी क्यूज़ डिज़ाइन किए गए हैं दोस्तों ओके सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज एम सी क्यूज़ इसमें डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों मार्क्स मैन के फेमस पब्लिकेशन है और टोटल हम लोग ट्वेंटी वन थाउजेंड प्लस एम सी क्यूज़ को कवर करने वाले हैं एंड दिस इज़ ए रिवाइज्ड एडिशन ओके ये पुरानी नहीं है ये रिवाइज एडिशन है दोस्तों ओके okay? ये रिवाइज्ड एडिशन है ओके तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और अभी बहुत आगे बढ़ना है हम लोग बहुत आगे चलना है तो लेट स्टार्ट और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अभी सो रिटर्न बाय ओ पी वर्मा एडिटेड बाय आरती वर्मा इनके ऑथर्स हैं इस किताब के ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बेस्ड ऑन एन ओके एन पे बनाए गए हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें हम कवर करेंगे दस सेक्शंस पे टोटल डिवाइड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट वर्ल्ड जोग्राफी सब कुछ डिवाइड है दोस्तों टोटल स्टैटिक जनरल अवेयरनेस तो 500 जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन पेपर्स भी है इसमें लास्ट में वो भी कवर करेंगे ओके okay? ये कंटेंट्स रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम क्या क्या चैप्टर्स कवर करने वाले हैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सारे कंप्लीट करूँ ओके क्योंकि एम हैं तो ईजीली कवर हो जाएंगे और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सारे चैप्टर्स को पढ़े हुए हैं आपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी की है क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाता बैठूंगा यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों ओके okay? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है क्योंकि एक एक क्वेश्चन के बाद मैं दे सकता हूँ एक्सप्लेनेशन अगर दूंगा तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्वेंटी वन थाउजेंड एम सी क्यूज़ हैं इसमें तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप एज़ जस्ट एज़ ए रिविज़न इस बुक को यूज़ कर रहे हैं एज़ ए प्रैक्टिस आप इसको बुक को यूज़ कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा रखा है एन सी आर टीस आपने पढ़े रखे हैं तो उसके हिसाब से मैं उसी को माइंड सेट रखते हुए उसी माइंड सेट में मैं आगे, आगे आपको पढ़ाता जाऊँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर बताता जाऊँगा तो उसके पर ही जो है दो तीन घंटे का लेक्चर बन जाएगा तो एम सी क्यूज़ कब कवर करेंगे हम राइट right. तो हम सिर्फ यहाँ पे आए हैं सिर्फ एम आपको आइडिया दिलाने के लिए आए हैं ओके okay, ऐसा मत समझ जाएगा क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन रहेगा ओके मैं कोशिश करूँगा कि जो 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेनेशन दूँ अगर नहीं हो पाया तो प्लीज़ जो है आप ये माइंड रख के चलिए कि आपने ऑलरेडी जो है पढ़ा है बस आप रिविजन के लिए इस किताब को यूज़ कर रहे हैं ठीक है क्योंकि इस किताब में सिर्फ एम हैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है प्रॉपरली और मेडिवल हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कितने सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे राइट दिस आर ऑल द पेजेस वर्ल्ड जोग्राफी सेक्शन थ्री हो गया दोस्तों इसी तरह सारे सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे इंडियन जोग्राफी और इंडियन पोलिटिकल गवर्नेंस सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों चलिए पहला सेक्शन शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया जहाँ पे हम एशियंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं और ये स्टोन हैज दोस्तों ओके okay? मैं थोड़ा पेन का कलर बदल लेता हूँ क्योंकि सारा ब्लैक ब्लैक हो चुका है इसको हम डार्क से देखते हैं राइट सो हाँ दिस इज़ फाइन राइट तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आप इसे एज ए रिविजन यूज कर सकते हैं ओके क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर बताते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और किताब कवर नहीं हो पाएगी तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे सो अकॉर्डिंग टू द एक्सेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन इन कब जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की शुरुआत हुई थी ये आपको पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों दैट इज मिसोलेथिक पीरियड में दोस्तों सो मिसोलैथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की शुरुआत हुई थी इन मिसोलैथिक कंटेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बिन फाउंड एट आदमगढ़ दोस्तों ओके एंड रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर फर्स्ट पैलेथिक टूल इन इंडिया वाज एन क्या थे ये सही जवाब है ऑप्शन डी जियोलॉजिस्ट और ऑर्कोलॉजिस्ट दो भी थे दोस्तों ये okay? एक मिनट मैं थोड़ा थिकनेस इसका कम कर लेता हूँ राइट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर दोस्तों ओके सो ये बोथ जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और ज्यादा ज्यादा हो गया थिकनेस थोड़ा हम कम कर लेते हैं चलिए दिस इज फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इंटू स्टोन ब्रोन्स एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कॉपर हेंग म्यूजियम वॉज क्वाइंड बाई ओके सो so, uh, जो थ्री एज सिस्टम है स्टोन एज हम कहते हैं ब्रॉन्स एज कहते हैं उसके बाद आयरन एज कहते हैं फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कॉपर हैंग एंड म्यूजियम तो उसको किसने एक्चुअली ये फर्स्ट बार इस टर्म का यूज़ किया था तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है थॉमसन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बिन फाउंड दोस्तों बोन इम्प्लीमेंट्स कहाँ पे हमको देखने को मिले हैं पहली बार तो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी महादहा में हमको देखने को मिले हैं बोन ऑर्नामेंट्स इन मिसोलथिक पीरियड ओके कंटेक्सट इन इंडिया हैव बिन ओपटेन्ड फ्रॉम तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर महादहा ओके तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोन bon इम्प्लीमेंट्स आपको पहली बार कहां देखने को मिले हैं तो महादहा एक जगह है वहां पे हमने देखा राइट नेक्स्ट थ्री ह्यूमन स्केलेटन इन ए सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट ऑप्शन बी दमा दमा देखिए यू पी पी एस सी प्रियम्स के जो दो हजार सोलह में पूछा गया है द कल्टिवेशन ऑफ सेरल फर्स्ट स्टार्टेड इन ऑप्शन ए न्यूलैथिक पीरियड में पहली बार सेरल्स का कल्टिवेशन शुरुआत हुई द अर्लीस्ट एविडीजन ऑफ एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन ऑप्शन डी नर्मदा वैली दोस्तों नेक्स्ट द फर्स्ट सेरल यूज बाय मैन वॉस ऑप्शन सी हो गया बार्ली एंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों लहुरा देवा इसका नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीएस्ट एविडिसन एविडेंस ऑफ सेटिल्ड लाइफ की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया मेहरगढ़ द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बिन ओपटेन्ड फ्रॉम तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मेहरगढ़ क्लियर द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ अग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट फाउंड एट ये कहाँ पे है ऑप्शन सी मेहरगढ़ में एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी कॉपर एज द कल्चर रिमाइंस फ्रॉम स्टोन एज टू हरपन सिविलाइजेशन हैबिन ऑप्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन साइट्स की बात करें तो ऑप्शन बी मेहडगढ़ में ही इसको पाया गया था पहली बार और नव दटोली वॉज एक्सेवेटेड बाई ऑप्शन सी एच डी संकालिया इन्वेस्टेड द नव दटोली इज लोकेटेड तो करेक्ट आंसर तो है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और मेगा हैव है आइडेंटिफाइड एज ऑप्शन बी बरियल साइट्स की तरह इसको आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों मेगालिथ्स को नेक्स्ट एश माउंट इज एसोशिएट विथ न्यूलथिक साइट एट तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संगना कल्लू में एश माउंड एसोसिएटेड मतलब पहली बार वहां पे पाया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट भीम बेटका इज फेमस फॉर ये बहुत बार पूछा भी एग्जाम्स में तो ऑप्शन है रॉक पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बिन फाउंड द मोस्ट तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन बी भीम बेट दोस्तों ठीक है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भीम भेटका okay. चले वेर आर द केव भीम भेटका सिचुएटेड दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों रायजन क्लियर नेक्स्ट द रेक्स्ट दलर पॉट्री जो ओ जिसे हम कहते हैं वो क्रिस्टीन एट हस्तिनापुर याद रख लीजिए हस्तिनापुर में इसको पहली बार वहां पे देखा गया नेक्स्ट इन द दालकोलैथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देर हाउसेस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन मतलब कौन से साइड उनको ऐसा सुलाया जाता था जब वो मर जाते थे आ, ग्रेव में तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन नॉर्थ टू साउथ पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैजेट स्केलेटन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केलेटन इन बरियल तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों बर्जाहम ओके नेक्स्ट द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी इज फॉर्न फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस देखिए दो बार पूछा है क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बर्जाहम दोस्तों राइट द एविडेंस ऑफ द पिट ड्वेलिंग

भोपाल में है क्लियर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आंसर्स भी हैं अगर आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं राइट right? तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसका कल्चर के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों चलिए इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ओके राइट सो इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन ऑप्शन भी होगा दोस्तों अर्ली हिस्टोरिकल एज में एग्जिस्ट करता था नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन ऑरियन बिकॉज इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन था तो इट वॉज नॉन आर्यन सिविलाइजेशन इसको कहते थे दोस्तों नेक्स्ट ह्यूमन सोसाइटी वॉज यूनिक बिकॉज इट मेनली डिपेंड्स अपॉन कल्चर याद रख लीजिए एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बी इंडस वैली सिविलाइजेशन नेक्स्ट नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन मतलब क्या रीजन है जो आर्यन सिविलाइजेशन से पहले इसको रखा गया तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पोट्रीस

दैट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन एंड द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहैबिटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ ऑप्शन बी यूटेंसिल्स ज्वेलरी वेपन्स एंड टूल्स हो गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द अर्एस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन ऑप्शन ए हरप्पन कल्चर ठीक है विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हरप्पन पॉटरी की बात करें तो ऑप्शन ए रेड कलर ओके द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन ऑप्शन है प्री आर्यन ठीक है द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप टू बी कंसिडर प्री आर्यन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर की बात करें तो ऑप्शन ए काव हो गया दोस्तों नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइड टेराकोटा ऑफ प्लफ वॉज फाउंड दैट इज ऑप्शन बी हो गया बनवाली क्या है बनवाली ए प्लफ फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट ऑप्शन बी काली बंगन ठीक है काली बंगन द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑप्शन ए मोहनजो दारो नेक्स्ट द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ ऑप्शन सी अगेन हेम मोहनजो दारो में हमको पाया गया था दोस्तों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपने जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ा हो तो ग्रेट बाथ के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा और इसके अलावा और एक पॉइंट है जो ग्रेट ग्रैंड गैनरी भी कहते हैं ग्रैनरी ओके ग्रेट ग्रैनरी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा तो ये कहाँ पे है ये मोहनजो में है वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू बोल रहा है मतलब कौन सा ट्रू नहीं है विच ओके okay. याद रख लीजिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं एक बार दैट इज ऑप्शन डी हो गया पीपल नो अबाउट आयरन द एग्जर्वेशन एट चाहू दारो डायरेक्टेड बाई ऑप्शन है जे एच मैखाई दोस्तों विथ साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान पाकिस्तान अभी कौन सा साइट है हरप्पा जो है उनके पास चला गया अभी नाइन देखिए बहुत ई पी पी एस सी इसमें पूछा गया था क्वेश्चन है रंगपुर वेर द कंटेम्प्री ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वर फाउंड इज इन ऑप्शन सी हो गया दोस्तों सौराष्ट्र में पाया गया था कहाँ पे सौराष्ट्र में उसका दाधेरी इज ए लेट हरप्पन साइट ऑफ ऑप्शन बी पंजाब राइट विथ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया ऑप्शन सी हो गया दोस्तों लोथाल And the Harappan city represented by archaeological site of Lothal was situated on which river? तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों भोगोवा याद रख लीजिए कहाँ पर भोगोवा पे उसके बाद हरप्पन Lothal is located in Lothal लोथाल आपने सुना होगा कहाँ ye है ये आपको गुजरात में है कहाँ gujarat okay. गुजरात में hai है ये भी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है दोस्तों उनकी एक पोर्ट सिटी भी रहा करती थी वो लोथाली है याद रख लीजिए ओके okay, लोथाल को क्या कहते थे पोर्ट सिटी भी कहा जाता था ओके इट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पोर्ट सिटी था चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हरप्पन पोर्ट की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया अगेन लोथल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन ओके अगेन नॉट एंड पूछा है तो देख समझ के इसको आंसर करना पड़ेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन सी पाटलीपुत्रा दोस्तों के okay? कालीबंगन है रोपार लोथाल ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन पाटलीपुत्रा इज नॉट लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पा इन इंडिया ऑप्शन डी राखी गढ़ी द बिगेस्ट हरपन साइट इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन क्या चीज की वर्शिप करते थे शिवा की वर्शिप करते थे डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल एक्सर्वेशन दट लीड टू डिस्कवरी ऑफ हरप्पा एंड मोहनजा दारो दट इज ऑप्शन भी होगा सर जॉन मार्शल टू इंडियंस हुर एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर ऑप्शन है रखल दास बैनर्जी और दया राम सहानी है दोस्तों दोनों इंडियंस हैं राइट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया क्योंकि हरप्पा दया राम सहानी लोथाल एस आर राव सुरकतोड़ा जेब जोशी डोलावीरा जो है बीखे थापड़ नहीं ये गलत है दोस्तों क्योंकि डोलावीरा को भी जो है जे पी जोशी साहब नहीं Uh, इसको एक्सावेट किया था या डिस्कवर किया था इनका फुल नाम है जगत प्रकाश जोशी दोस्तों okay. जगत प्रकाश जोशी जी ने ही इसको एक्साविट सुरका तोड़ा और ये डोलावीरा दोनों भी जे पी जोशी साहब ने ही किया था द फर्स्ट हु हुटेड हरप्पा बट कुड नॉट रिकोगनाइज इट्स सिग्निफिकेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ये कनिंग हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ एंड मोहनजोदारो की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज वी ए स्मिथ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमाइन ऑफ हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कौन से प्लेसेस में मिले थे हमको मोहनजोदारो के जगहों पे दोस्तों मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग भी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अभी वहां पे चाह चुका है हरप्पा भी उन्हीं के पास है द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन कौन सा ऐसा मेटल है जो पहली बार यूज किया गया था ऑप्शन सी कॉपर एन आइवरी स्केल इन हरप्पन कंटेक्स वॉज फाउंड एट ऑप्शन बी लोथाल है दोस्तों विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हरप्पन साइट्स की बात करें तो ऑप्शन डी आयरन और विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घगार एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों बनवाली फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड स टू हरप्पन सिविलाइजेशन तो ऑप्शन भी हो गया डोलावीरा डोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ऑप्शन ए गुजरात दोस्तों याद रख लीजिए लोथल भी गुजरात में ही है उनका एक डॉक यार्ड है वो विच हरपन सिटी इज डिडेड इन टू तो थ्री पार्टे आपको पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी डोलावीरा को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमनेंट्स ऑफ थ्री टाउनशिप हैव बिन फाउंड कहाँ पर मिले थे हमको ऑप्शन डी डोलावीरा उसके बाद हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हरप्पन टाइम्स हैज़ बिन अनहर्थ एट ऑप्शन बी डोलावीरा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉलोइंगज एविडेंस ऑफ ट्रिपल बरियल ऑप्शन सी लोथाल दोस्तों एंड फ्रॉम एग्जर्वेशन ऑफ हरप्पा साइट सोनौली वॉट वॉज फाउंड सोनौली क्या निकला है वहाँ पे ह्यूमन बरियल्स निकले हैं फॉर क्लॉथिंग सोनौली के बारे में आप जानना है तो डिस्कवरी प्लस में जो है इसकी बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों के एक्चुअली मैंने देखा है बहुत ही नीट सी आपको समझा रहे हैं मनोज वाजपेयी आई थिंक उसके ऑथर और बहुत ही बढ़िया दिखाया अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टिवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन दैट इज ऑप्शन डी हो गया इंडिया और विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैरेक्ट्रिस्टिक्स द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास थे तो दे बोथ मेल एंड फीमेल डाइटिस को ये वर्शिप किया करते थे तो ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजन वॉज फाउंड तो ये मोहनजा दारों में मिले थे और विच ऑफ दिनिमल्स इज नॉट डिपेक्टेड ऑन द हर सील तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हॉर्स दोस्तों इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से एनिमल के रिमाइंड नॉट बीन फाउंड पूछ रहा है ये इम्पोर्टेंट है ओके okay. कौन सा नहीं मिले हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दट इज ऑप्शन ए हो गया लयन उसका दॉर्निंग हॉन्ड डाइटी एंग्रेवड ऑन टेर्राकोटा केक हैज़ बिन रिकवर्ड फ्रॉम ऑप्शन बी काली बंगन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल की बात करें तो ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन है क्योंकि नाइल को लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है और इजिप्ट से होते हुए गुजरती है वो वहाँ पर जो सिविलाइजेशन बसा है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन वॉट इज़ अ करेक्ट नॉट साउट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों पहले नॉर्थ में एस्टैक उसके बाद माया उसके बाद म्यूज का उसके बाद इंका चलिए द फर्स्ट एशियन सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन ए प्रॉपर सिस्टम ओके पहला एशियन सिविलाइजेशन आपको बताना है जिन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग को डेवलप किया है ओके आर्ट ऑफ राइटिंग को तो कौन सा है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुमेरियन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ अरप सिविलाइजेशन देन ऑप्शन ए कौन सा नहीं है ओके दैट इज ऑप्शन है दैट इज एम रफीक मुगल हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय माई सपोर्टिंग सिविलाइजेशन नॉट करेक्टली मैथ्ड चलिए मैथ लिस्ट है अगेन सो हम लोगों को एशियन साइट दिया है विथ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवेन बिलो ओके यहाँ पे आपको कोड्स ये देखिए एशियन साइड है लोथाल कालीबंगन डोलावेरा बनावाली और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग है प्लफ फील्ड मिली है डॉक्यार्ड टेराकोटा या इंस्क्रिप्शन तो इसका जो करेक्ट आंसर है एक बार देख लेते हैं कौन को सा कोड दिया है, उससे हमको पहचानना है तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट अगेन मैच लिस्ट दिया हुआ है दोस्तों साइड्स दिए हुए हैं और रिवर्स दिए हुए हैं तो हम इसको पहचानना है तो करेक्ट आंसर इज़ नथिंग बट ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर टू थ्री फोर वन अगेन मैच लिस्ट दिया बहुत सारे मैच लिस्ट यहाँ पे आपको दिया रखें और हरपन सेटलमेंट्स दिए हैं और रिवर ऑन विच लोकेटेड तो अगेन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन ई हो गया दोस्तों राइट थ्री टू वन फोर नेक्स्ट अगेन द मैच हैज़ बिन गिवन सो टाउन प्लानिंग दिया गया है और कोड दिया गया हमको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर दट इज़ ऑप्शन डी हो गया ऑल ऑफ दिस ये फॉर इट्स स्टोन प्लानिंग फॉर मोहनजोदारो हरप्पा उनके एग्रीकल्चर वर्क के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही फेमस थे ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ऑप्शन सी हो गया दोस्तों कालीबंगन ये हरियाणा का पार्ट नहीं है दोस्तों ओके दी इज़ अ राइट आंसर फॉर द हरप्पन कल्चर साइट्स एंड डिस्पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड अगेन दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया राखीड़गढ़ी राजस्थान ये भी करेक्ट मैच नहीं है अगेन मैच लिस्ट दी गई है हमको मंडा दैमाबाद कालीबंगन राखेड़गढ़ी और उनका लोकेशन सबको दिया है कि मंडा कहाँ पे है दैमाबाद कहाँ पे है राइट उसको हमको देखना है तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी थ्री फोर टू वन दोस्तों ओके मंडा इज़ इन जम्मू कश्मीर दैमाबाद इज़ इन महाराष्ट्र ओके कालीबंगन कहाँ पे है राजस्थान में है राइट right? और राखेड़गढ़ी कहाँ पर है दोस्तों हरियाणा में है ओके okay. इसीलिए देखिए यहाँ पर राखीड़गढ़ी राजस्थान नहीं हरियाणा है और कालीबंगन कहाँ पे राजस्थान में चेंज कर दिया बस उसने सो विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑफ कल्चर वाज लोकेटेड इन सिंध की बात करें दैट इज कौन से कौन से मोहनजोदारो और चाहूदारो है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर देवर कौन से द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन बी चिना दैट इज सिंधु और झेलम तो तीन इज अर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विच इज़ अ करेक्ट ट्रॉलोजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपियर्ड इन इंडिया तो इसका जो करेक्ट एक मिनट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया फोर थ्री टू वन यानी पहले अर्बन कल्चर आया राइट उसके बाद आयरन प्लफ पंच मार्क सिल्वर कॉइंस कॉइंस देन गोल्डन आए द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोट मोहनजोदारो दारो हरप्पा रोपाड़ एंड कालीबंगन आर मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा दिया है पीपल ऑफ़ हरप्पा डेवलप द रोड प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम तीसरा दिया है पीपल ऑफ हरप्पा वर नोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर दोस्तों ठीक है एंड द टू इज द राइट आंसर सो असर्शन एंड रीजन मोहनजार एंड हरप्पा साइट्स आर डेड नाउ ये नाउर्शन है रीजन की बात क्या बताया है दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन तो इसका जो सही जवाब है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलिए नेक्स्ट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो इट वॉज प्रोटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट थ्रू प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन इसका ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया तो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर दोस्तों ओके तो हमने सेकेंड पार्ट भी कवर कर लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आंसर स्की भी दिया हुआ है उसका स्क्रीन भी आप ले सकते हैं दोस्तों राइट इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं ताकि आपको दिखे ठीक है दिस आर द आंसर की चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा वैदिक एज पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं अभी चलिए वैदिक एज की तरफ बढ़ते हैं <coughs> इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओल्डेस्ट वेदा दोस्तों कौन सा है जो ओल्डेस्ट वेदा आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा बेसिक क्वेश्चन है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऋग एंड ट्रया त्रई इज अ नेम फॉर ऑप्शन ए त्रिवेदास नेक्स्ट द टर्म आर्यन डिनोट्स किन चीज़ों को डिनोट करते हैं इस सुपीरियर रेस को डिनोट करते हैं मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या इन द क्लासिकल संस्कृत की बात करें तो ऑप्शन डी नोबल मैन इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइप दैट इज ऑप्शन ए रिग वेदा नेक्स्ट पुरुष सुक्ता रिलेटेड टू वर्ना सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन ऑप्शन सी रिग वेदा दोस्तों उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म स्पेल्स की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया अथर्वादा दोस्तों राइट उसका दिन आर डैश हिम्स बहुत ही फेमस है क्वेश्चन है बहुत बार पूछा एस एस सी में और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सो वन जीरो टू एट हिम्स रहते हैं दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर एंड रिग वेदा इज द डैश इज ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ हिम्स दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स बिलोंग टू द रिग वेदा तो इसका जो सही जवाब है द्राह्मण okay. हम लोग कहते हैं okay. चलिए एक मिनट ओके नेक्स्ट गोफाता ब्राह्मणा इज असोसिएटेड विद ऑप्शन सी अथर्व वेदा विच मंडल ऑफ रिग वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा ये भी आपने पढ़ा होगा नाइन्थ मंडला दोस्तों कंप्लीटली जो है सोमा के लिए डेडिकेटेड है द नाइन्थ मंडल ऑफ रिग वेदा इज डिवोटेड होली टू ऑप्शन डी हो गया सोमा एंड द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक दोस्तों राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यगनास आर इन दैट इज ऑप्शन डी हो गया ठीक है नेक्स्ट द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द रिग तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों सामा वेदा या देख लीजिए

दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों उपनिषद द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यामा इज मैंशनड इन ऑप्शन सी कतोपनिषद कतोपनिषद में था नचिकेता लेजेंड फाइंड मैंशन इन दैट इज ऑप्शन सी हो गया कतोपनिषद नेक्स्ट किंग अस्वापति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वॉज द रूलर ऑफ ऑप्शन बी हो गया दोस्तों के कया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर की बात करें देन ऑप्शन ई हो गया वैदिक संहिता ब्राह्मणास आर्यकास एंड उपनिषद्स ठीक है okay. चलिए नेक्स्ट देखते हैं द रिवर मोस्ट मैंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सिंधु और वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिवर्स दैट इज ऑप्शन सी हो गया छेना विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मैंशन इन रिग वैदा इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यस विद अफगानिस्तान की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया खुबा क्रमो द वैदिक रिवर खुबा वॉज लोकेटेड इन ऑप्शन ए अफगानिस्तान याद रख लीजिए ठीक है इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वॉस ऑप्शन डी हो गया दोस्तों नन ऑफ कावेरी तप्ती महानंदा नन ऑफ द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम एमर्ज ड्यूरिंग टेट्राट पोस्ट वेदिक पीरियड तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी ब्रह्मचार्य गृहस्था आश्रमा वनप्रस्था और संन्यासा तो ये सारे के सारे ट्रेडिशन जो है ये पोस्ट वैदिक पीरियड हमको एमर्ज होते हुए नजर आए थे हु अमोंग द फॉलिंग वेदिक डाइटिस वॉज बिलीव टू बी देर प्रीस्ट ऑप्शन बी दैट इज बृहस्पति हु अमोंग द फॉलोइंग वस ब्रह्मावादिनी हु हिम्स ऑफ वेदास की बात करें तो ऑप्शन होगा दोस्तों लोपा मुद्रा एंड ड्यूरिंग द रिग पीरियड वर्ड निशिका वॉज यूज फॉर ज्वेलरी ओके ये भी इंपॉर्टेंट है आपने जब एशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इसका लफ्ज सुना होगा आपने निष्का बोल के ये एक्चुअली जो है ज्वेल्स जो को यूज़ किया जाता था जो भी ज्वेलरी थी उसको यूज किया था बट लेटर इट वॉज यूज फॉर द मीनिंग ऑफ उसके बाद उसके धीरे धीरे मीनिंग बदल के क्या हो गई कॉइंस में इसकी मीनिंग निकलने लगी दोस्तों अभी निष्का मतलब क्या है कॉइन्स है ठीक है चलिए ड्यूरिंग द रिक पीरियड निश्का वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ कौन सी चीज़ का ऑर्नामेंट था नेक नेक ऑर्नामेंट निष्का इन एशियंट इंडिया वॉज ज ऑप्शन है गोल्ड ऑर्नामेंट उसके बाद धीरे वो क्वाइंस में बदल गया बोगा स्क्वाय इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंस्क्रिप्शन द नेम्स ऑफ वेदिक गॉड एंड गॉडेसिस वहाँ पे हमको किस तरह के इंस्क्रिप्शन मिले जहाँ पे मैंशन था हमको वेदिक गॉड और गॉडेसिस के बारे में चले नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन टेल्स अबाउट आर्यन मूवमेंट ऑफ आर्या फ्रॉम ईरान टू इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी बोगा स्क्वाय इंस्क्रिप्शन ऑफ फोर्टीन सेंचुरी बी सी डिस्क्राइब द वैदिक गॉड्स है

एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है अंगा मगधा द वर्ड गोत्रा अक्स फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है रिग वेदा में जो है गोत्रा का शब्द हमको पहली बार सुनने को मिला थाचुअली पूछा गया था एस एस में द रिलीजन ऑफ अर्ली वेदिक आर्य वॉज प्राइमरली ऑफ ऑप्शन ऑफ नेचर एंड यगना पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन ऑप्शन डी सेक्रीफाइस और रिचुअल्स में बिलीव करते थे फेमस बैटल ऑफ टेन किंग्स वॉज फॉर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑप्शन डी परूशनी द फेमस बैटल ऑफ टेन किंग्स एज डिस्क्राइब इन द रिग वेदा वॉज फॉर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर परूशनी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमोंग द फॉलोइंग रेफर्ड एज मतेतमा देवीतमा एंड नंदितमा इन द रिग्वेदा तो ऑप्शन बी सरस्वती इज द राइट आंसर गिव द नेम ऑफ ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू पंच जाना ऑफ द रिग्वेदा आर्यस की बात करें तो ये कििकथ है दोस्तों कित

ऑप्शन डी अथर्व वेदा okay. उसका ऋग वैदिक रिलीजन क्या है ऋग वेदिक रिलीजन है आपको एक पॉलीथिस्टिक है क्या है पॉलीथिस्टिक द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिग हिम्स आर डिवोटेड टू ऑप्शन बी इंदिरा हो गया दोस्तों द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू ऑप्शन ए अग्नि एंड हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वॉर गॉड इन रिग्वेदा तो वॉर गॉड किसे कहते थे तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बी

चलिए द मंत्रा फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्रा फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों रिक वेदा नेक्स्ट हु कंपोज द गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया है गायत्री मंत्रा को ऑप्शन बी हो गया विश्वामित्रा जी ने कंपोज किया है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके विश्वामित्रा जी हैज कंपोज द गायत्री मंत्र चलिए नेक्स्ट सरगा प्रतिसर्गा सर्गा वंशा मनवंतारा और वंश चरित्रा आर द इंडिकेटर्स ऑफ ऑप्शन भी पुराना पुराना के इंडिकेटर्स हैं ठीक है द नंबर ऑफ पुरानस इज ऑप्शन भी हो गया दोस्तों इन विच लैंग्वेज वॉज अ श्रमाद भगवद गीता ओरिजिनली रिटर्न तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत हो गया ठीक है ओरिजिनली द महाभारत वॉज नोन एज ऑप्शन डी जया समिथा इसको बुलाया जाता था क्या कहते थे इसको महाभारत को क्या कहा जाता था ये भी इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिए या समिता इनको कहते थे दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं महाभारत बाय व्हाट नेम वर द कुनिंदा किंग्स नोन कुनिंदा किंग्स वर नोन बाय ऑप्शन सी द्विज श्रेष्ठ इसके अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विथ सर्पेंड ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चनरिंग द ओशन तो ऑप्शन बी हो गया वसुकी इज द राइट आंसर इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों धर्मशास्त्र फेस ओके इसके बाद फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड्स सत्य जयते हैव हाँ बिन टेकन कहाँ से लिया गया है इस शब्दों को तो ऑप्शन डी हो गया मुंडो को या कटोपनिषद या चंदो क्या उपनिषद कहाँ से इसको लिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंडोकोपनिषद से लिया गया है बट यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबो वर्ल्ड के बट इट इज रॉन्ग आंसर ऑप्शन रही इज अ राइट आंसर फ्रॉम विच द वर्ड सत्यमेव सत्यमेवज्यति हैज बिन टेकन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सत्यमेव सत्यमेवज्योति विच इज एनग्रेवड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज़ बिन टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है मुंडोकोपनिषद द स्टेटमेंट तम सोमा ज्योतिरग् म्या वॉज ओरिजिनली मेन्शनड इन ऑप्शन ए उपनिषद्स द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जबल विच चैलेंजेज द स्टिगमा ऑफ बींग एन अनमेरिड मदर इज मैंशन इन ऑप्शन सी चंटोग्य उपनिषद द लिटरली मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स तो ये ऑप्शन डी हो गया शवेस्तवशतरा ओके इसका मतलब क्या है वाइट हॉर्स है दोस्तों फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ रिक वेदा ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट है इसकी कौन सी फंडामेंटल स्क्रिप्ट थी इसकी ये भी इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिए ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी

दैट इज ऑप्शन सी काओ हो गया दोस्तों इन द अर्ली रिग पीरियड वॉट वॉज कंसिडर टू बी द मोस्ट वैलेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया अगेन काउ इज द मोस्ट वैलेबल प्रॉपर्टी इन द कंटेक्सट ऑन इंडियन कल्चर रित मीन्स रित मतलब क्या है एक नेचुरल लॉ को उस टाइम पे रित कहा जाता था इन द कंटेक्स्ट ऑफ एशियंट इंडियन सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ अदर थ्री दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों कोसा वट इज अ टोटल नंबर ऑफ संस्कारास कितने संस्कारास थे टोटल सोलह सिक्सटीन संस्कारास थे दोस्तों द टीचर हु टॉट वेदिक वेदांगा फॉर लाइवलीहुड वॉज कॉल्ड दैट इज ऑप्शन सी उपाध्याय हो गया चलिए नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग आ चुका है हमारे सामने यहाँ पे लिस्ट वन दिया है राइट दैट इज अथर्वादा ऋग वेदा यजुर्वेदा यजुर और सामा वेदा और लिस्ट यहाँ पे गॉड्स के बारे में दिया गॉड ग्रेस सेक्रीफाइस प्रोसेस मेडिसिन म्यूजिक किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है थ्री वन टू फोर ठीक चलिए अगेन मैथ द फॉलोइंग अगेन सेम तो इसका जो जा सही जवाब है ऑप्शन है फोर टू वन थ्री चलिए नेक्स्ट द धर्म एंड रीता डिपिक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ एशियन वैदिक सिविलाइजेशन इंडिया इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो दैट इज Uh, dharma was a conception of obligation and uh, the discharge of one's duties to oneself and to others. Correct hai, Rita was a fundamental moral law governing the functioning of universe and all it can. So, correct. So, option C, both 1 and 2 is the right answer. Next, with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans, Indus Valley people, which of the following statement is correct? That is, correct only 1 is the right answer. Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization, डिड नॉट लू एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दिम ओके चलिए आप दूसरा हो चुका है नेक्स्ट हम चलते हैं बुद्धिज़्म की तरफ दोस्तों ओके सो बुद्धिज़्म भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एशियंट एज का इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं आने वाले एग्जाम्स में भी पूछने के बहुत सारे चांसेस है और इसमें एक्चुअली बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं दोस्तों जी हाँ तो चलिए पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्धा मदर वर्स फ्रॉम विच क्लैन तो ऑप्शन डी है कोलियन क्लैन है दोस्तों ओके नेक्स्ट okay. गौतम बुद्धा वर्स बॉर्न एट ऑप्शन भी हो गया लुम्बिनी में पैदा हुए थे वेन वॉज गौतम बुद्धा बोर्न अगेन तो ऑप्शन ए फाइव सिक्सटी थ्री बी सी में इनकी पैदाइश हुई थी विच ऑफ लाइफ इज नोन महाबिश करम तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इज डिपार्चर फ्रॉम होम और विच ऑफ दिस इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया सिद्धार्था फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ दस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धास बर्थ प्लेस कौन से इंस्क्रिप्शन से हमको पता चला है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मौर्यन है दोस्तों मौर्यन के इंस्क्रिप्शन से हमको पता चला तो ऑप्शन इज द द राइट आंसर ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कन्फर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बोर्न इन लुम्बिनी दैट इज ऑप्शन डी रुमे दाई पिल्लर इंस्क्रिप्शन से पता चला द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग गिव्स द इन्फॉर्मेशन दैट सख्या मुनी बुद्धा वॉज बोर्न इन लुम्बिनी तो ऑप्शन ए अशोका दोस्तों ने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो वेयर डिट महात्मा गांधी बुद्धा महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस कहाँ पर हुआ था खुशीनगर पे गौतम बुद्ध अटेंड एंड महापरिनिर्वाणा इन द किंगडम ऑफ ऑप्शन सी मल्ला दोस्तों कहाँ पर मला गौतम बुद्ध अटेन निर्वणा एट विच्स प्लेस दैट इज ऑप्शन है कुशीनारा कहाँ पर कुशीनारा दोस्तों बुद्धा अटैन महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ ऑप्शन है मल्लास हो गया और महापरिनिर्वाणा टेम्पल इज लोकेटेड एट कहाँ पे खुशीनगर है हु वॉज अ लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटमेंट फ्रॉम गौतम बुद्धा की बात करें तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों सुभदा यहाँ देख लीजिए सुभदा हु अमॉन्ग द फॉलिंग वॉज अ लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाई बुद्धा दैट इज ऑप्शन डी सुभदा दोस्तों लास्ट पर्सन है uh, जो कन्वर्ट हुए थे वे डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ इज लाइफ तो ऑप्शन बी वैशाली में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे उनके अंतिम वक्त में विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म की बात करें सो निर्वाणा का मतलब ये है द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर दोस्तों okay. आपके डिजायर को कम्प्लीटली खत्म कर देना उसको निर्वाणा कहते हैं चले हु कलमा अलारा कलमा कौन है ये आपको टीचर ऑफ बुद्धा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट विच प्लेस डिट महात्मा बुद्धा गेव इज फर्स्ट धम्मा चक्का पव, आ, परिवर्तन तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सारनाथ में वेट इट बुद्धा प्रीच की बात करें सारनाथ हु फर्स्ट सर इन सारनाथ दैट इज महात्मा बुद्धा गौतम बुद्धा गेव सरमन एट सारनाथ बहुत बार पूछा है क्वेश्चन इन बुद्धिस्ट धर्माचक्र परिवर्तन इज नोन एज तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों फर्स्ट सरमन ऑफ सारनाथ धर्मा चक्र परिवर्तन वॉज परफॉर्मड एट देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है सारनाथ इज अ राइट आंसर गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सरम्स एट विच प्लेस तो ऑप्शन भी शवस्थी दोस्त शवस्ती में बहुत उन्होंने दिया है उसके बाद बुद्धा हैड विजिटेड भी ड्यूरिंग द रेन ऑफ ऑप्शन भी उदयाना कौन सा उदयाना फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वॉज डिसाइडेड ओवर बाई ऑप्शन है महाकश्यप्या दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महाकश्यप्या ने पहला बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया आफ्टर गौतम आफ्टर द डेथ चलिए हु अमोंग द FOLLOWING कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो इसका जो so, करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी होगा दोस्तों महाकसप्पा उसका सप्तपर्णी केव इज लोकेटेड इन कहाँ पे लोकेटेड है राजगृह में लोकेटेड है हु अमोंग द FOLLOWING प्रिसाइडेड ओवर बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द reign ऑफ कनिष्का एट कश्मीर की बात करें तो ऑप्शन डी वासुमित्रा महायाना सेक्ट एंड बुद्धिस्ट एमर्ज ड्यूरिंग द reign ऑफ ऑप्शन डी कनिष्का दोस्तों बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन of Kanishka was held at option C Kashmir. Okay. The fourth Buddhist council which was held in Kashmir during the reign of which king option C Kanishka सी कनिश्का हो गया द फोर्थ बुद्धिश काउंसिल वॉज हेल्ड डूरिंग द रेन कौन सा कौन से टाइम पे हुआ था अगेन सेम कनिश्का है देखिए कितने बार रिपीटेड आ रहे हैं क्वेश्चन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी प्लेस पे हुई थी दोस्तों वैशाली में हुई थी कहाँ पे हुई थी वैशाली में हुई थी ठीक है चलिए वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिश काउंसिल्ड ये आपको ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा में हुई थी द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ ऑप्शन बी अजता शस्त्रु दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजता शस्त्र में थी द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी राजगीर में और किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर या रेन के अंदर हुई थी अजताशस्त्रु सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज बाई काला अशोका दोस्तों ठीक है विच इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाई द व्हील विथ डीर इन इंडियन आर्ट तो ऑप्शन सी फर्स्ट प्रीचिंग उसके बाद कर्मापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ टिबिटियन बुद्धिज्म की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों कंग युपा कंग युपा ओके नेक्स्ट महाबुद्धि टेम्पल हैज़ बिन बिल्ट एट बोध गया the family, the answer, D, तो गौतम बुद्ध रिसीव द एनलाइटमेंट वहाँ पर टेम्पल बनाया गया द बोधि रिक्श इन बोध गया बिलोंग्स टू जनरेशन ऑफ विट्स फैमिली तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों विच ऑफ़ द फॉलोइंग बुद्धि सीक्रेट प्लेस इज सिटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना की बात करें तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों बोध गया द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू दो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया प्यूरिफाई एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट चलिए फोर्टी सिक्स क्वेश्चन हु अमोंग द फॉलोइंग वॉन्टेड टू बिकम द लीडर ऑफ संगा इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा तो ऑप्शन है देवा दत्ता दोस्तों उसका दूम ऑफ द फॉलोइंग डिड गौतम बुद्ध नॉमिनेट फॉर लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट संघा आफ्टर इज डेथ किसको नॉमिनेट किया गया और ये भी इंपॉर्टेंट है सो महाकशपा जी को नॉमिनेट किया गया सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ दैट इज ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी इन टू बुद्धिस्ट संघा वॉज अलोड बाई गौतम बुद्ध एट कहाँ पे अलो किया गया था वैशाली में दोस्तों एंड वाट इज थ्री थ्री त्रिपीटा त्रीटिका सा कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा दोस्तों कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा थ्री त्रिपीटिका टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन तो ऑप्शन बी हो गया ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है थ्री त्रिपीटिका आपने सुना होगा सुट्टपीटका अभिधम्मा पीटका यह त्रिपीटिका ही है थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट कंटेन्स द रूल ऑफ मोनास्टिक लाइफ की बात करें तो ऑप्शन बी विनाया पीटक का दोस्तों एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन बुद्धा सरमोन एंड मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्रींस के बारे में कहाँ लिखा हुआ है कौन से पीटका में लिखा हुआ है सुट्टा पीटका में लिखा हुआ है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट यमा का बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पीटका okay. तो कौन से इसमें इसको मेंशन किया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी अभिधम्मा पीटका में इसको मेंशन किया गया इन द एशियंट इंडिया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एज सरमोनीकॉल्ड परवरणा यूज टू बी हेल्ड ये क्या हुआ करती थी दोस्तों इज नथिंग बट ए ऑप्शन बी डरिंग द स्टे इन मोनास्ट्री डूरिंग द रेनी सीजन चलिए अशोक करमोनास्ट्री वॉज सिचुएटेड एट ऑप्शन बी हो गया पाटली पुत्रा वेयर इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्टूप लोकेटेड इन बिहार की बात करें तो ये राजगिढ़ में है और द गेंट बुद्धा स्टैचू ऑफ एटी फीट इन बोधगया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई किसने कंस्ट्रक्ट किया जापानीज ने दोस्तों एंड वेयर वॉज वर्ल्ड स्टूपा फर्स्ट टाइम

बुद्धिज्म अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया की बात करें तो ऑप्शन है गौतम बुद्ध दोस्तों इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रख लीजिए हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया लॉर्ड बुद्ध दोस्तों सो गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड डू द पोजिशन ऑफ कनिष्का के टाइम पे ओके फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यू ऑफ वर्शिप और इंडिया वॉज बुद्धा हो गया दोस्तों राइट right? एंड नेक्स्ट बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग लेट द फाउंडेशन ऑफ आइडियल वर्शिप इन द कंट्री बुद्धिज्म तब से मैं रिकॉर्ड बंद करके कर रहा था एंड नेम द मुद्रा विच इज प्रेजेंटेड बाई गंधारम बुद्धा स्टैचू दैट इज धर्मचक्र द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ट इन विच कंट्री दैट इज़ घुशना पीरियड एंड लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन इन हैंड गेश मतलब क्या है बुद्धा कॉलिंग टू अर्थ टू विटनेस प्यूरिटी एंड चैस्टिटी दोस्तों सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्शा मुद्रा बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड

कहते हैं राइट एंड विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट उड़ंतीपुर एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड दैट इज़ इन बिहार वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है गुजरात में है नलंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है गुप्ता डायनेस्टी uh, के टाइम पे इसको बनाया गया था ओके एंड हु वॉज द फाउंडर ऑफ नलंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी कुमारा गुप्ता के टाइम पे बनाया गया था वही वॉज़ नलंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड दैट इज़ ऑप्शन सी बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी की वजह से नवललंदा महावीरा इज फेमस फॉर ऑप्शन सी पाली रिसर्च सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म कौन सा कॉमन नहीं है बुद्धिज्म और किसके बीच में दोस्तों जैनिज्म के बीच में तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेल्फ मोटिफिकेशन वो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दट फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइ्रेशन ऑफ सोल्स फॉर करेक्ट ठीक है ये बिलीव करते थे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्यास एंड हारास की बात करें तो ऑप्शन बी चैत्या जो है प्लेस ऑफ वर्शिप है और विहारा इज ए ड्वेलिंग प्लेस है दोस्तों राइट एंड नेक्स्ट सम बुद्धिस्ट केव्स आर कॉल्ड द अदर्स आर कॉल्ड विहारास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप विहारा जो कि ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स है ओके चलिए ऑफ ऑफ फॉर्म द बुद्धिज्म वॉज प्रोमेंट ड्यूरिंग सुल्तानट पीरियड uh, की बात करें दैट इज़ ऑप्शन सी वज्र याना दोस्तों एंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग किंगडम्स और एसोसिएट विद द लाइफ ऑफ बुद्धा की बात करें तो कौन सा है वो दैट इज़ कोसाला और मगधा ए एसोसिएटेड है फोर बुद्धिस्ट काउंसिल और इन द हल्ड इन फॉलोइंग प्लेसेस ओके सो अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो पहले कौन सा हुआ दूसरा कौन सा हो इस तरह से आपको अरेंज करवाना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों पहले राजगृह हो गया बाद में वैशाली ओके okay, बाद में पाटलिपुत्र लास्ट कुंडा वलना चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है दोस्तों क्या क्या है ये ही वॉज बोर्न इन कपिला ही अटेन एनलाइटमेंट एट बोध गडेड द वेदिक रिलीजन ही प्रीच नोबल ट्रूथ्स ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा अगेन सो ही बिलीव इन कर्मा ही बिलीव इन रीबर्थ अटेनिंग निर्वाणा बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ये ओनली वन टू थ्री इज अ राइट आंसर दोस्तों सो असर्शन खुशी नगर वॉज अ कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक और रीजन लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाणा टुक्स प्लेस इन खुशीनगर तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड करेक्टली मैच कौन सा है ये आपको बताना है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वन टू एंड फोर दोस्तों लोथाल एशियन डॉकयार्ड सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा नलंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ठीक है चलिए विथ रेफरेंस टू द रिलज हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमको विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बताना है दैट इज ऑप्शन बी ओनली टू थ्री एंड करेक्ट विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सउतनेटिका समित्या वर द सेक्ट्स ऑफ जेनिज्मधिन हेल्ट द कॉन्स्टेंट ऑफ फिनोमिना वर नॉट ओनली मोमेंट्री बट एगिस्टेड फॉर एवर इन लेटेंट फॉर्म दो स्टेटमेंट्स दिए गए तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों ओनली टू इज द राइट आंसर आउट ऑफ टू स्टेटमेंट बिलो फर्स्ट इज असर्शन एंड सेकेंड इज रीजन केयरफुली रीड द बोथ सेंट ओके असर्शन क्या है टिल द एंड ऑफ ट्वेल्थ सेंचुरी नलंदा महावीरा लॉस्ट इज ग्लोरी ओके स्टेट प्रोडक्शन सी इज टू बी अवेलेबल टू महावीरा तो कौन सा करेक्ट आंसर है हमको बताना है ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी हो गया वन टू थ्री फोर क्या है इसका करेक्ट आंसर दैट इज सिंपलिसिटी ऑफ रिलीजन स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित और मिशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन हो गया ठीक है चलिए वाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन अर्ली मिडिवल टाइम्स की बात करें क्या क्या रीजन्स हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन ओनली है द बुद्धा वॉज बाई दट टाइम कंसिडर एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड टस बिकेम ए पार्ट ऑफ वैष्णविज्म दोस्तों सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा है सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सो द अर्ली चैत्य ग्रियास एंड विहारस ऑफ गुंटेपल्ली इन द वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट चैत्यास एंड विहारस ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर विजुअली रॉक कट सो so, कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट है तो ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट स्टेटमेंट्स दोस्तों ओके okay? सो so, यहां पे आप आंसर की भी देख सकते हैं ओके इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो टोटल वन टेन आंसर हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं ओके okay? सो so, पहला है प्रश्नवनता द जैन त्रीतंकारा वॉज एसोसिएटेड मेनली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस दैट इज ऑप्शन ए वाराणसी हो गया दोस्तों वेर वॉज महावीरा स्वामी बर्न कहाँ पे पैदाइश हुई थी कुंडा ग्राम में इनकी पैदाइश हुई थी द ऑरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन इज ऑप्शन डी ऋषभ देव क्या है ऋषभ देव हु फर्स्ट तीर्थनकारा ऑफ जैन रिलीजन की बात करें कौन थे दोस्तों ऋषभ नाथी थे पहले तीर्थनकारा के okay? और कुंडलपुर इज अ बर्थ प्लेस ऑफ ऑप्शन सी महावीरा स्वामी कुंडलपुर इज बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा स्वामी महावीरा जैन ब्रेथ इज लास्ट एट ऑप्शन सी हो गया दोस्तों पावापुरी दोल्ड त्रितंकारा इज रिलेटेड टू ऑप्शन डी जैन से रिलेटेड था हु वॉज द लास्ट वन इन ऑर्डर ऑफ जैन त्रितंकारास की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों महावीरा विच ऑफ द फॉलिंग वॉज नॉट ए जैन त्रितंकारा ऑप्शन बी नाथामुनि इज नॉट ए जैन त्रितंकारा उसके बाद प्रभासगिरी इज ए पिलिग्रीम स्पॉट ऑफ जेन्स प्रभासगिरी पिलिग्रम स्पॉट ऑफ जेन्स इन जेन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट की बात करें तो ऑप्शन सी कैवल्या का लव्ज शब्द यूज किया जाता था द डॉक्टर ऑफ थ्री ज्वेल्स राइट फेथ राइट एक्शन राइट नॉलेज इज ए क्रोनिंग ग्लोरी ऑफ ऑप्शन सी जैनिज्म दोस्तों ठीक है नेक्स्ट द करेक्ट ऑफ अनुवरता वॉज एडवोकेटेड बाई ऑप्शन सी हो गया जैनिज्म इज ए डॉक्टर इन ऑफ ऑप्शन सी जैनिज्म ठीक है चलिए नेक्स्ट द जेन फिलोसफी होल्ड्स दट द ओल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ऑप्शन ए यूनिवर्सल लॉ उसके बाद अनेकंतावादा इज ए खोर थियरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग देन ऑप्शन बी हो गया दोस्तों जेनिज्म एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज ऑप्शन बी हो गया जेनिज्मी है द बेसिक पॉइंट ऑफ जेनिज्म इज ऑप्शन सी नॉन वायलेंस उसके बाद यपनिया वॉज ए सेक्ट ऑफ ऑप्शन भी जैनिज्म हो गया विच ऑफ द फॉलिंग इज ए अर्लीएस्ट होली बुक ऑफ जैन की बात करें तो ऑप्शन सी दोस्तों फोर्टीन पुरवास ठीक है एंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड की बात करें तो ऑप्शन ए अर्ध मगधि ठीक है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस नोन एज प्लेस ऑफ लिगर विच बिकॉज ऑफ बींग रिलेटेड विथ परशवनाथ की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों सम्मेद शिखर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर की बात करें तो ऑप्शन है तेरी घाटा दोस्तों ठीक okay? है तेरी घाटा इज अ राइट आंसर नेक्स्ट देख लेते हैं हु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वतंबर क्रीड ड्यूरिंग हिस्स फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रीड की बात करें तो ऑप्शन है सूलभद्रा इज द राइट आंसर चलिए सुलभद्रा द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर वॉस ऑप्शन है जमाली दोस्तों कौन है जमाली हु वॉज अ फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर दैट इज ऑप्शन है जमाली स्वतंबरा अगामा वॉज फाइनली एडिटेड एट द जेन काउंसिल ऑफ ऑप्शन डी पाटलीपुत्रा ठीक है विथ रेफरेंस टू एशियन जेनिज्म फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी जेनिज्म एन्जॉयड द पैटर्नेज ऑफ द कलिंगा किंग खारा वेला इन द फर्स्ट सेंचुरी बी सी उसका समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों जैन फिलोसफी से रिलेटेड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ठीक है सो अजेबिका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाई किसने फाउंड किया है ऑप्शन सी मखाली घोसला दोस्तों हु अमोंग दिस रेंडर दैट फेट अस इन एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकेपेबल दैट इज ऑप्शन सी अजय विकास इज अ राइट आंसर ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं द सेक्ट विच बिलीव्ड इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी की बात करें तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों अजय विकास एंड हु यूज द केव्स ऑफ बारबरा एज देर शेल्टर हाउस की बात करें तो ऑप्शन ए अजय विकासो राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बारबरा हिल केव्स कौन सा गलत है दोस्तों नॉट ट्रू ओके बार बारा हिल केव्स की बात करें तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड बैक टू सिक्स सेंचुरी बेसी द फेमस पिलिग्री ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज ऑफ जेन्स इन उत्तर प्रदेश इज एट ऑप्शन भी होगा दोस्तों कौशंबी ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट दैट इज ऑप्शन इन द स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर एट श्रावणला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जेन्स दोस्तों हु बिल्ड गोमटेश्वरा स्टैचू एट स्टैवन बलगोला तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है चामुन्द्रया ने बनाया था उसके बाद महामस्तक अभिषेका ए ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विथ एंड डन फॉर विच ऑफ़ द फॉलोइंग तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों बाहुबली ओके चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अपलिकेबल टू जैना डॉक्टरिन की बात करें द सूरेस्ट वे ऑफ अनहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनस

सो so, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग लिस्ट दी हुई है दोस्तों आप देख सकते हैं लिस्ट वन त्रितंकारास और उनकी कॉग्नीजेंस दिया हुआ है इसको मैच आपको करना है मैं आपको आंसर बता देता हूँ तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन वन हो गया वन फोर थ्री टू आप चाहते हो इसे मैच कर सकते हैं ओके चलिए नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सो वर्धमान महावीरा मदर वॉज अ डॉटर ऑफ लिछावी किंग छेटका गौतम बुद्धा मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम कोलियान डायनेस्टी और पर्शवनता द ट्वेंटी थर्ड तीर्थंकारा बिलोंग टू बनारस सो so कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दैट इज ऑप्शन सी होगा दोस्तों टू एंड थ्री आर करेक्ट ठीक है